हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में आई अंडररेटेड ताइवानी स्प्लैटर फिल्म द सैडनेस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं कैनेडियन फिल्म मेकर रॉब जैबेज और ये उनकी डेब्यू मूवी है। ये मूवी इंस्पायर्ड है क्रॉस नाम की कॉमिक बुक सीरीज से और मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल और गोरी है, साथ ही बहुत ज्यादा वायलेंट भी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खाना खाते टाइम इस वीडियो को देखो। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कपल जिम और केट को, जो कि ताइवान में रहते हैं। मूवी पेंडेमिक के बाद बेस्ड है, जब लॉकडाउन वगैरह खुलना स्टार्ट हो गया था और लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे थे। जैसे कि केट अपने ऑफिस जा रही है और जिम को भी थोड़ा बहुत काम मिला है बड़ी मुश्किल से, लेकिन वायरस का सफाया अब भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल हमारी दुनिया वाला हिसाब है, बस इसमें कोविड के बजाय वायरस कोई और है। अब एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है एल्विन वायरस, जो कि धीरे धीरे पूरे ताइवान में फैल रहा है और उसका क्योर अभी नहीं मिला। जिम YouTube पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक डॉक्टर समझा रहा था कि वायरस काफी घातक साबित हो सकता है, लेकिन जो आदमी इंटरव्यू ले रहा था उसे ऐसा नहीं लगता। उसके मुताबिक बेवजह सरकार द्वारा डर का माहौल बनाया जा रहा है पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई घातक रिजल्ट सामने नहीं आया, यानी कि कुछ ज्यादा डेथ नहीं हुई। डॉक्टर कहता है कि हाँ अभी तो नहीं आया, लेकिन म्यूटेशन के बाद आ जाएगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और तब ये वायरस कंट्रोल में नहीं आएगा। ये डॉक्टर वाली बातचीत कहाँ इशारा कर रही है वो आप समझ गए होंगे, और जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है वो अब तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डॉन ऑफ द डेड वाली वीडियो के टाइम पर तो लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा था। और पेंडेमिक की असली वजह है कि एशिया में ज़ॉम्बी जॉनरा इतना ज्यादा बूम कर रहा है। खैर, जिम जाता है बालकनी में, जहाँ दूसरी छत पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं। उसके कपड़ों पर काफी ब्लड लगा हुआ था। जिम उसे देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। वो केट को भी दिखाता है, लेकिन तब तक वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी। इनका पड़ोसी है मिस्टर लिन, जिसे थोड़ी खांसी हो रही थी। जिम कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये भी इन्फेक्टेड हो, लेकिन लिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी डॉक्टर से की बात दोहराते हैं कि घर पर रहकर आराम करो, जो कि उसके मुताबिक एकदम बकवास है। खैर, उसे बाय बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि केट को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। रास्ते में उन्हें एक डिस्टर्बिंग चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर तो किसी का भी दिन खराब हो जाए। एक बेकाबू आदमी ने एक बच्चे को लहूलुहान करके मार दिया था और पुलिस उसे काबू में कर रही थी। अभी दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। केट को ड्रॉप करके जिम वापस चल दिया, और आते वक्त उसे ना तो पुलिस दिखती है, ना ही वो आदमी और ना ही बॉडी। वो रुकता है अपने घर के पास वाले फूड कॉर्नर पर, जहाँ पर आ जाती है वही पड़ोस वाली आंटी। वहाँ बैठा एक आदमी उसका हालचाल पूछता है, तो वो सीधा उसके मुंह पर थूक कर जवाब दे देती है कि इसके हालचाल ठीक नहीं। इसके बाद वो खोलता हुआ तेल स्टोर ओनर के सिर पर डालकर उसकी खाल उधेड़ना शुरू कर देती है, और किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। देखते देखते वहाँ पूरी तरह मैसेकर मच जाता है, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर इसने थूका था वो भी इसी के जैसा खुकार बन गया। जिम उस औरत को रोकता है, और शायद उसे ये नहीं करना था। ओनर को छोड़कर वो उसी के पीछे लग जाती है, लेकिन जिम की किस्मत अच्छी थी कि एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, या फिर कहूं कि खराब थी, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर की हालत भी वही है जो कि बाकियों की है। अब कोई कार ठोक रहा है, कोई छत से कूद रहा है, लेकिन जिम एकदम क्लूलेस है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब रियल है या कोई बुरा सपना, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, क्योंकि सारे सन के लोग उसके पीछे पड़ गए। जिम तो नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि यह है रेज वायरस, जिसे हमने कई मूवीज में देखा है, जैसे कि 28 डेज लेटर। जैसे रेबीज है, वैसे ये वायरस इंसानों के लिए, जो इंसानों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, और फिर इंसान वही करता है जो नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाता, सोसाइटी के डर से या फिर फैमिली की वजह से। बेसिकली हमारे मॉरल कोड को गिरा देता है, और जो भी चीजें मॉरली ठीक नहीं है वो सब इंसान को नॉर्मल लगने लगती है, जैसे कि मर्डर, रेप और टॉर्चर। प्लस ये इंसानों के अंदर रेज भर देता है, जिससे वो कोई भी काम करने से नहीं चकते, जैसा कि आपने देख लिया। इस वायरस के बारे में उस डॉक्टर की बात एकदम सच थी। खैर, भागते हुए जिम पहुंच जाता है अपने घर तक। मेन डोर लॉक करके वो खुद को काम कर रहा था, क्योंकि फिलहाल ये सबसे जरूरी है, क्योंकि इतने कम टाइम में जो भी इसके साथ हुआ है उसे प्रोसेस कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। देखते ही देखते पूरा शहर पागल हो गया था। चारों तरफ से बस चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, साथ ही टीवी पर भी सभी चैनल्स बंद हो गए थे, क्योंकि जल्दी सरकार कुछ जरूरी अनाउंस करेगी। हालांकि एक चैनल अब भी चल रहा है, जिस पर एक अजीब सा कार्टून आ रहा है। अब जिम जल्दी से केट को मैसेज कर रहा था, तभी उसके पीछे आ जाता है मिस्टर लिन, जो कि इन्फेक्टेड है। वो सीधा एक गार्डनिंग सीजर से हमला कर देता है, जो कि सफल नहीं होता, क्योंकि जिम ने उसे रोक दिया। यहाँ दोनों के बीच स्ट्रगल चलता है, जिसमें लिन ने जिम की दो उंगलियां काट दी और बाद में उन्हें टेस्ट भी किया। जिम टोस्टर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जिम उसे लॉक करके वहां से निकल गया। वो बाहर जाकर देखता है कि पूरा शहर ही पागल हो चुका है, और कोई अपने वियर डिजायर्स को पूरा करने में लगा हुआ था। कानून का इन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि इनका दिमाग कह रहा है कि सब नॉर्मल है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्फेक्टेड एक दूसरे को नहीं मार रहे, जैसे कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे को नहीं खाते। जिम चुपचाप बिना कोई आवाज की अपनी स्कूटी तक पहुंच गया, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, और उसकी आवाज से उनका ध्यान भी इसकी तरफ आ गया।
ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ खुद को अज्यूम करना ही आपको डरा देगा, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग काफ़ी स्पीड से भागते हैं और फिलहाल ही उसी की तरफ आ रहे हैं। किस्मत से स्कूटी स्टार्ट हो गई और जिम उसे लेकर वहाँ से निकल गया। इधर केट भी ट्रेन से घर वापस आ रही थी और उसके बगल में बैठा हुआ था एक बिजनेसमैन वॉन्ग, जो कि जबरदस्ती उससे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केट उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वो सीधा ही उसे वार्न कर देती है कि अपने काम से काम रखो वरना हैरेसमेंट के केस में अंदर जाओगे। ये बात सुनकर वो नाराज हो गया था। वो बोल रहा था कि क्या किसी की ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट देना क्राइम है, अब इसके लिए मुझे धमकी मिलेगी, और जब वो नहीं चाहती तो मिलेगी ही। खैर, इस ड्रामे से पीछा छुड़ाने के लिए अगले स्टॉप पर केट ने अपनी सीट मॉली नाम की एक लड़की को दे दी और अब जाकर सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। एक लड़का ट्रेन में चढ़ा था जिसने ग्लासेस लगाए हुए थे क्योंकि इन्फेक्शन का शिकार है। इन्फेक्शन की निशानी है लाल आंखें और वायरस हावी हो गया, इसकी निशानी है आंख से निकलता आंसू। जैसे आंसू निकलता है वो भी अपने लिमिट्स भूलकर सीधा एक आदमी को स्टैप कर देता है और किसी को अंदाजा तक नहीं लगा, लेकिन जल्दी लग जाएगा क्योंकि वो लड़का फुल रेज मोड पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो कई लोगों को बिछा देता है, चाहे मेल हो या फीमेल, और अब तो कई लोग पार्टी में शामिल हो गए थे, यानी कि वो इन्फेक्शन यहाँ भी फैल गया। देखते ही देखते वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी और पूरी ट्रेन व्हाइट से रेड हो गई। मर्डर्स तो हो ही रहे थे, साथ ही रेप भी, और यहाँ जेंडर मैटर नहीं करता। किसी की गर्दन कटी तो किसी का पैर, और कुछ लोग तो वीडियो बनाने में बिजी थे जबकि पूरी ट्रेन में चीखें गूंज रही थी। केट और मॉली दोनों सहम गए थे लेकिन सही सलामत थे। तभी अचानक एक छाता सीधा मॉली की आंख में घुस जाता है और वो घुसाया पागल वॉन्ग ने, जो कि अब इन्फेक्टेड है। अगली बारी थी केट की, लेकिन तभी एक आदमी उससे भिड़ गया। हालांकि उसका ध्यान अभी केट पर ही था। अब यहाँ पर इतना ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है कि मैं क्या बताऊँ। इसी बीच ट्रेन रुकती है और सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, केट और मॉली भी, लेकिन केट का फोन ट्रेन में ही रह गया जिसमें जिम के मैसेज आए हुए थे। केट मॉली को लेकर भाग रही थी लेकिन तभी वॉन्ग भी वहां पर पहुंच गया, यानी ये दोनों ही फंस गए। अब यहाँ चेस स्टार्ट होता है और भागते हुए ये दोनों एक आदमी से टकरा गई। वो कहता है कि क्या तुम मंदी हो। वेल, अब केट उसे बता देती है कि एसन के आदमी हमें मारना चाहता है। ये सुनकर वो सीधा वॉन्ग से भिड़ गया, लेकिन वॉन्ग ने भी सीधा उसकी नाक उखाड़ दी। वो बॉक्स में रखी एक्स निकाल कर बार बार उसके चेहरे पर हमला करके उसकी डिजाइनिंग बदल रहा था, और इसी बीच वो दोनों भाग जाती हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उन्हें एग्जिट दिख गया लेकिन वॉन्ग भी उनके पीछे था। केट वहां खड़े गार्ड से हेल्प मांगती है, लेकिन हेल्प करने के बजाय उल्टा उसने दरवाजा क्लोज कर दिया। यह उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। अगर वॉन्ग के साथ यहाँ बंद हो गई तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वो भागती हैं और दरवाजा बंद होने से पहले किसी तरह बाहर निकल जाती हैं और वॉन्ग अंदर ही रह गया। केट गार्ड को खरी खोटी सुना रही थी, लेकिन मॉली ऐसी नहीं है, उसने तो सीधा उसकी नाकी तोड़ दी। खैर, इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं, उसने तो बस ऑर्डर्स फॉलो किए। उससे हॉस्पिटल का पता पूछ कर केट वहां से निकल जाती है। इधर जिम का भी स्ट्रगल जारी था। वो हर एक कोशिश कर रहा था केट तक पहुंचने की, और रोड्स की हालत बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मिट चुका। हर जगह वायलेंस हो रही थी, जिसे देखकर जिम की टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका केट से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। आगे रोड ब्लॉक था, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता ले लेता है, लेकिन ये भी कोई सही फैसला नहीं था। आगे कुछ बच्चे एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे और ये देख पाना भी मुश्किल है। जिम उन्हें भगाकर उसे छुड़ा देता है, लेकिन उल्टा वो इसी पर झपट पड़ा क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका। या वो सभी मिलकर उल्टा इसे ही पत्थरों से मारकर भगा देते हैं। इधर हॉस्पिटल में टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था। इतने में केट भी वहां पहुंच जाती है और अब मॉली को प्रॉपर इलाज मिल जाएगा। वो केट को थैंक्स बोलती है, लेकिन ये टाइम इस सबका नहीं है। केट उस गार्ड से उसका फोन मांगकर जिम को फोन लगाती है, लेकिन जिम फोन नहीं उठा रहा क्योंकि वो भागने में बिजी होगा। इसी बीच ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और भाषण देने आता है प्रेसिडेंट। वो बताता है कि ये एक नया वायरस है जिसने पूरे नेशन में 15-20% लोगों को शिकार बना लिया, और इसमें एल्विन वायरस का कोई रोल नहीं है। इन्होंने बड़ी बेशर्मी से अपनी गलती पर पर्दा डाल लिया। अब प्रेसिडेंट के बाद आर्मी जनरल बोलना शुरू करता है, और जितना जोश प्रेसिडेंट ने भरा था वो सारा इसने निकाल दिया क्योंकि ये खुद भी डरा हुआ है। हम देखते हैं कि बोलते हुए उसकी आंख से आंसू निकल रहा है, यानी कि वायरस हावी हो चुका। वो भी पागल हो गया और एक ग्रेनेड से लाइव टीवी पर उसने प्रेसिडेंट का सर उड़ा दिया, यानी कि अब जनता जी भर के पैनिक कर सकती है। खैर, यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आकर एक आदमी चिल्लाने लगा और इसी तरह फाइट स्टार्ट हो गई। फाइट काफी सीरियस हो गई थी, इसलिए लोग बाहर भाग रहे थे, लेकिन ऑफिसर उन्हें गन पॉइंट पर रोक देता है। गार्ड भी जबरदस्ती अपना फोन मांग रहा था, इसलिए केट ने भी दोबारा उसकी नाक तोड़ दी। खैर, अंदर से बाहर जाने वालों को तो ऑफिसर ने रोक दिया, लेकिन क्या बाहर से अंदर आने वालों को ये रोक पाएगा? वॉन्ग वहां पर आ चुका था और उसकी नजर थी केट पर। वो कुल्हाड़ी पुलिस वाले की पीठ में घुसा देता है और कुछ ही सेकंड्स में वॉबी मैसेकर मच गया, लेकिन तब तक केट एक रूम में छुप गई थी, इसलिए वो पकड़ में नहीं आती। गार्ड भी भागता है और सबसे ज्यादा टेंशन इसी को है क्योंकि बेचारे का फोन केट लेकर चली गई। रास्ते में उसे मॉली मिलती है, जो कि एकदम सुन थी। वो भी वहीं एक बेड के नीचे छुप जाता है क्योंकि वॉन्ग वहां पर पहुंच गया। अब मॉली कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह लाचार थी, और वॉन्ग कुछ ऐसा करता है जो बहुत ज्यादा भयानक था। वो उसकी फूटी हुई आंख का रेप कर रहा था, और मॉली की चीखें सुनकर गार्ड भी दहल गया। इधर फाइनली केट और जिम का कॉन्टैक्ट हो गया। अब जाकर दोनों को थोड़ी शांति मिली। केट उसे बता देती है कि वो हॉस्पिटल में है और अब जिम जल्दी उसे बचाने आ जाएगा।
जिम के सामने नाले में किसी लेडी का कटा हुआ सर मौजूद था जो कि अभी जिंदा था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, अभी तक कुछ भी लॉजिकल दिखाया नहीं गया। ये पहली चीज है जो हजम करने लायक नहीं है, लेकिन ये भी हजम हो जाएगी क्योंकि ये बस जिम का वहम था। उसे उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही है, कहीं ये इन्फेक्शन के लक्षण तो नहीं। इधर कुछ देर बाद गार्ड बाहर निकल कर देखता है कि वहाँ के इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे के डिजायर पूरे कर रहे थे, इसलिए गार्ड उन्हें नहीं टोकता क्योंकि इसे अपनी जान प्यारी है, साथ ही फोन भी। इस सीन का मतलब है कि इन्फेक्टेड लोग रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो कि आगे जाकर और घातक साबित होगा। खैर आगे उसे मिलती है मौली जो किसी को काट कर खा रही थी क्योंकि अभी अभी इन्फेक्टेड है। सब ने मिलकर गार्ड को पकड़ लिया और मौली ने उसे भी चीर दिया, या इसकी भी लाइफ लाइन कट गई, वो भी बिना फोन मिले। इधर वो अंकेट तक पहुंच गया था, इसलिए गेट दरवाजा लॉक करके कॉरिडोर में चली गई, लेकिन वो दरवाजा उसे रोक नहीं पाया। अंदर आकर वो अच्छे से दरवाजा लॉक कर देता है ताकि कोई दूसरा अंदर ना आए, क्योंकि गेट का शिकार वो अकेला ही करेगा। वो भी कॉरिडोर में पहुंच गया जहाँ गेट पहले से तैयार थी। वो उस पर CO2 फायर करके उसे अंधा कर देती है और इसके बाद उसे छुटकारा भी पा लेती है, उसके हेड को पूरी तरह क्रश करके। तभी अचानक वहीं बगल वाले रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें मौजूद डॉक्टर ने उसे अंदर ले लिया क्योंकि वो समझ गया था कि किट इन्फेक्टेड नहीं है। ये उसने देखा बाहर लगे कैमरास के जरिए। बाहर कुछ इन्फेक्टेड आकर वॉन्ग की लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, साथ ही उन्होंने इसका कैमरा भी कवर कर दिया, यानी अब ये कुछ भी नहीं देख पाएगा। वो गेट पर गन पॉइंट करके उसे केमिकल शावर लेने के लिए कहता है और उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इसकी बात माननी होगी। ये वही डॉक्टर है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसकी प्रेडिक्शन सच हो गई। वो बताता है कि वायरस अटैक करता है दिमाग के लिम्बिक सिस्टम पर और असल में इंसान लिम्बिक सिस्टम का गुलाम है। इन्फेक्टेड लोगों को पता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो रिजिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। जैसे कि आप बिना पलक झपकाए नहीं रह सकते, चाहे आप कितना भी रिजिस्ट कर लो, और उन्हें चाहिए दूसरों की सफरिंग, यानी कि दूसरों को दर्द में देखने से उन्हें चैन मिलता है, इसलिए रेप, मर्डर और टॉर्चर हो रहे हैं। और यही रीजन है कि इन्फेक्टेड एक दूसरे पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो तो पहले से ही दर्द में है। अगर कोई खुद ही मरने के लिए विलिंग हो तो क्या आप उसे मर्डर कहोगे? इसके बाद उसे पता चल रहा है कि इसने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, ये एक साल से म्यूटेशन के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन इसे अब तक कुछ भी नहीं मिला। किट उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। वो अपने कपड़े डस्टबिन में फेंकने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डस्टबिन में कई इन्फेक्टेड बच्चे मौजूद थे जिनमें से एक जिंदा भी था। यहाँ उसका भांडा फूट गया, इसलिए वो किट को इंजेक्शन देकर फिर से उसे बांध देता है। डॉक्टर ने वही वायरस किट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, अगर ये भी इन्फेक्ट हो गई तो वो इसे मार देगा, और अगर इसे असर नहीं हुआ तो इसके जरिए क्योर मिल जाएगा। तब डॉक्टर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे लेकर यहाँ से निकलेगा। अब बच्चा चिल्ला रहा था जो कि डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो गला दबाकर उसे मार देता है। वो बताता है कि जब वो यहाँ पर आया था तब तक सारा स्टाफ जा चुका था, लेकिन यहाँ 8 बच्चे मौजूद थे क्योंकि ये मैटरनिटी वार्ड है। अब अगर इन्फेक्टेड्स को ये बच्चे मिल जाते तो वो इनका भी रेप करते, इन्हें खाते और मारते। इस सब से बचाने के लिए डॉक्टर ने खुद इन सब के अंदर वायरस डाल दिया जिससे सभी मर गए, लेकिन सिर्फ एक बच गया था जिसे इसने अभी मारा। मीनवाइल जिम भी हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। अब केट भी स्मार्ट है, फोन के जरिए उसने जिम को मैसेज करके बता दिया कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास गन है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि मैसेज मिलते ही उसने फोन फेंक दिया और उसके चलने का तरीका नॉर्मल नहीं है। किट अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई, इसलिए अब डॉक्टर उसे लेकर वहाँ से निकल रहा था। वॉन्ग की लाश बड़ी बुरी हालत में पड़ी थी, लेकिन किट नोटिस करती है कि उसकी एक्स वहाँ से गायब थी। डॉक्टर को समझ पाता, उससे पहले एक इन्फेक्टेड आदमी उस एक्स से उसका पैर अलग कर देता है। डॉक्टर एक को शूट कर देता है, लेकिन दूसरे की बारी में उसकी गन ने उसका साथ छोड़ दिया। वो इन्फेक्टेड आदमी उसके कटे हुए पैर पर उल्टी कर देता है, यानी अब ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। खैर गन ठीक हो गई, इसलिए वो उसे शूट कर देता है, लेकिन अब काफी देर हो गई। किट की मदद से वो आगे बढ़ रहा था और आगे उन्हें मिलता है जिम जो कि बड़ी अजीब बातें कर रहा था क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड है। वो डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे शूट कर देता है, लेकिन ये इनफ नहीं था। वो एक बार फिर से शूट कर देता है, लेकिन इस बार उसकी गन बैकफायर कर गई, लगता है कि चाइना का माल है। वो तुरंत ही डॉक्टर के गले में हथियार घुसा देता है और यहाँ डॉक्टर ने कबूल कर लिया कि उन बच्चों का गला दबाने में इसे काफी मजा आया था, यानी कि वायरस हावी हो चुका। किट इन्हें अंदर ही लॉक कर देती है और अब जिम ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। वो काफी प्यार भरी बातें किट से कर रहा था। वो कहता है कि मैं हजारों परेशानियों से लड़कर अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हारी गर्दन अलग करके तुम्हें मार सकूं। ये वही पलक झपकाने वाला लॉजिक है। ये मीठी बातें करना तो चाहता है, लेकिन इसका दिमाग अलाउ नहीं कर रहा। यहाँ पर किट जोर जोर से रो रही थी और अचानक रोते रोते वो हंसने लगी क्योंकि ये भी इन्फेक्ट हो चुकी। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर किट ऊपर चली गई, लेकिन तभी सोल्जर्स ने उसे भून दिया। यहाँ जिम ने भी दम तोड़ दिया और उसकी क्रीपी स्माइल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है, हद से ज्यादा। ताइवान में भी ऐसी मूवी बन रही है, एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट और अलग ही लेवल की। और स्प्लैटर फैंस के लिए मूवी एक ट्रीट है, इसलिए इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वर्ल्ड वाइड क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं। प्रेसिडेंट का हेड ब्लास्ट ही देख लो, कहने को इसमें सिर्फ मारकाट और खून खराबा दिखता है, लेकिन ये सब दिखाने के लिए भी कला चाहिए। ठीक से नहीं दिखा पाए तो हॉरर के बजाय कॉमेडी बनने में देर नहीं लगती। फिल्म में बहुत ज्यादा सोशल कमेंट्री है और पॉलिटिकल तो बहुत ही ज्यादा।
अब जैसी ये मूवी है उस हिसाब से इसका सीक्वल भी आ सकता है और साथ ही कई स्पिन ऑफ भी, क्योंकि देखने को अभी बहुत कुछ बचा है और जितना एक्सप्लोर होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। ये फिल्म फंडेड है कई सारी क्रिप्टो करेंसी से, जो कि एक प्रोड्यूसर के कैम गर्ल बिजनेस का रेवेन्यू था। जर्मनी में इस फिल्म को 3 बार सबमिट करना पड़ा ताकि ये थिएटर में रिलीज हो पाए, और जो अनकट वर्जन रिलीज होना था होम वीडियो पर उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। मूवी में जो कार्टून दिखाया जाता है वो रॉब जेबिस का ये एक एनिमेटेड शॉर्ट है जो कि 2015 में आया था। पेंडेमिक के टाइम पर न्यूज़ आ रही थी कि हॉलीवुड शट डाउन हो रहा है, बस यही सुनकर प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाने का सोचा। ताइवान में 22 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी और बाहर 12 अगस्त को। अब 12 मई 2022 को ये स्ट्रीम होगी शटर पर, जो कि इंडिया में नहीं चलता। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप चाहते हो कि ऐसी मूवी आपके यहाँ भी बने। बॉलीवुड तो बनाने से रहा लेकिन रीजनल सिनेमा से काफी उम्मीद है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जिस हिसाब से ज़ॉम्बी जॉनर बूम हो रहा है पूरे एशिया में, तो यहाँ भी एक ट्राई करना चाहिए। खैर, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ ले जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।